प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट, कम समय में, कम सामग्री में। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले हम सामग्री बता देते हैं। सामग्री में हमने उबले हुए आलू ले लिए हैं, छिलका उतार दिए हैं, ब्रेड ले लिए हैं इस साइज का, दमालू मसाला डालेंगे, 2 चम्मच मकाई का आटा है, ये बेसन है 200 ग्राम तक, एक बड़ी साइज हमने प्याज बारीक काट लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा महीन काट लिए हैं, 4-5 काली लौंग, 5-6 दाने काली गोल मिर्च है, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च काट लिए हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो और भी मिर्च डाल सकते हैं। चुटकी भर हींग डालेंगे। चटनी के लिए हमने ये टमाटर ले लिया है, हरा धनिया ले लिया है, ये लहसुन की कलियां हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और ये सरसों का तेल है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे पे एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई काफी गर्म हो चुकी है, 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालते हैं। चुटकी भर हींग डालेंगे, अदरक डालेंगे, काली गोल मिर्च और लौंग, सौंफ, जीरा, अब प्याज डाल देते हैं। इनको भून लेंगे। प्याज बढ़िया से भून चुकी है, अब हरा मिर्च डाल देते हैं। आलू मैश करके डाल देते हैं। अब इनको भी बढ़िया से भून लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आलू को बढ़िया से भून लेंगे। एक चम्मच दमालू मसाला डाल देते हैं। मसाले भी बढ़िया से हमने भून लिया है। अब इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देते हैं। फ्लेम बंद कर देंगे। मसाला रेडी हो गया है, अब हरा धनिया डाल देते हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। आइए बेसन का घोल बना लेते हैं। ये हमने बेसन में मकाई का आटा डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। कूटी हुई मिर्च डाल देते हैं। अब इसमें पानी डालकर घोल बना लेंगे। इस तरीके हमने घोल तैयार कर लिया है। आइए अब छानते हैं। इस तरीके हम बना लेते हैं। इस तरीके हमने सभी बना लिया है। आइए इनको काट लेते हैं। इतना स्टफिंग बचा हुआ है तो इनको गोला गोला बना लेंगे, गोले आकार में। तो इस तरीके हम ये देखिए, इस तरीके हम काट लेंगे। आइए छानते हैं। इनको भी गोला गोला बना लेते हैं, टिकिया के आकार में, इस तरीके। ये देखिए, कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ऑन कर देते हैं, डीप फ्राई लगा देते हैं, ऑयल को गर्म होने देते हैं। चुटकी भर मीठा सोडा डाल देते हैं। अच्छे से मिला देंगे सोडा को बेसन में।
ऑयल बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है, अब छानते हैं। इस तरीके हम ब्रेड को डुबोते हुए डाल देते हैं। अब इनको पलट देते हैं। ये देखिए बढ़िया कलर, सुनहला कलर हो गया है, अंदर तक बढ़िया क्रिस्पी क्रंची बनके तैयार हुआ है। अब इनको निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके हम सभी ब्रेड पकौड़े छान लेंगे। ये देखिए अब इनको थाली में रख लेते हैं। हमने सभी ब्रेड पकौड़े छान लिए हैं। ये देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी और क्रंची। आइए चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए हमने टमाटर काट लिया है, हरा धनिया भी काट लिए हैं, दो हरी मिर्च डाल रहे हैं, लहसुन का छिलका भी उतार के रख लिए हैं और अदरक 1 इंच। ये देखिए नमक डाल देते हैं, थोड़ा पानी डाल देते हैं। अब इनको पीस लेते हैं। अब यही में टमाटर डाल देते हैं। चटनी बनके तैयार हो गई है। अब इनको चम्मच से मिला देते हैं, हरा धनिया, मिर्च, अदरक, लहसुन, ताकि सभी का स्वाद बराबर आए। इनको अच्छे से मिला देते हैं। चटनी रेडी हो गई है। आइए सबसे पहले बाबा जी को देते हैं। आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई गलतियां हो माफ करिए। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुँचे। हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत अच्छा है दोस्तों, दुकान तो बहुत खराब है, दीवारा बहुत अच्छा है। दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। खाने में रुचि है, खाने में बड़ा स्वाद आ रहा है, धन्यवाद है। दुकान का ही कर जरूरत नहीं पड़ते मगर ये दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा बना है, दुकान से भी अच्छा, बहुत अच्छा बना है। दुकान में खाएंगे तो पैसा बर्बाद होगा, घर में खाइए।